नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंसुरेशन यानी ज्यामिति। और ज्यामिति में हमने जो कर लिया था त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि के फॉर्मूले, और चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, इनके बारे में हमने बात की थी। अष्टभुज तक के क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि इसका जो एक टॉपिक है मेंसुरेशन का, क्या अपना वृत्त के बारे में बात करेंगे, सर्किल। आप सभी जानते हैं इसकी जो बेसिकली जितनी भी बातें हैं वो सब मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि वृत्त में क्या होता है कि एक स्थिर बिंदु से एक चल बिंदु, और वो चल बिंदु इस प्रकार गमन करे कि इस स्थिर बिंदु से सदैव इसकी जो दूरी है वो क्या रहे, नियत रहे, समान रहे। तो इस प्रकार जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब आप इसको कैसे लिखना चाहेंगे तो वीडियो में आराम से बता देता हूं कि जब कोई बिंदु इस प्रकार गमन करे, जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु के साथ इस प्रकार गमन करता है कि जो चल बिंदु है उसकी जो दूरी है स्थिर बिंदु से सदैव समान हो, नियत दूरी हो, कांस्टेंट वैल्यू से हो, और वह इस प्रकार एक गमन करके और एक पुनः उसी स्थान पर आ जाता है, तो एक पथ का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो पथ का निर्माण होता है, वैसे तो देखिए कि अगर ये बिंदु है और अगर ये इस दिशा में गमन करता है तो जो एक आकृति हमें एक पथ जो निर्माण दिखाई दे रहा है ये है, इसे हम रेखा कहते हैं। जबकि अगर कोई बिंदु इस प्रकार गमन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसे वृत्त की परिधि, ठीक है ना, वृत्त का केंद्र, केंद्र से इसको परिधि पर किसी बिंदु को मिलाएंगे, त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और आर को अगर दोगुना कर दिया जाए, इधर आर, आर और आर, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, टू आर, और इसे हम कहते हैं डायामीटर डी, या फिर डी फोर डायामीटर, डी आई ए, डाया भी लिखा होता है कई बार, ठीक है ना, डायामीटर। और हिंदी में इसे क्या लिखा होता है, व्यास लिखा होता है। यानी अपने यूं कह सकते हैं कि त्रिज्या को अगर डबल किया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या को डबल किया जाए तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पर्श रेखा की तो ये है स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा की परिभाषा की अगर बात करूं तो एक ऐसी रेखा जो परिधि के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरेगी वह रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अब एक बात और मैं बता देता हूं कि स्पर्श रेखा होगी, अगर हम यहां मान लो ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये स्पर्श रेखा परिधि के इस बिंदु पर इसको स्पर्श करते हुए गुजर रही है, और यहां से एक त्रिज्या खींची हमने, ठीक है, तो एक कंसेप्ट निकल के आएगा क्या, स्पर्श रेखा जो होती है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा अगर दोनों को आपस में मिलाते हैं जिस बिंदु पर मीट कर रही है वहां पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो जो वृत्त हमारा है, इस वृत्त के अंदर अगर कोई लाइन केंद्र को छोड़ करके, हालांकि केंद्र पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर किन्हीं दो बिंदुओं को मान लीजिए, परिधि का एक बिंदु यहां से एक बिंदु यहां, अगर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया हमने, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जीवा। जिस जिस तरीके से आप ऊपर बढ़ते जाओगे, मान लो इससे ऊपर बढ़े यहां आ गए, ये जीवा, ये भी क्या है, जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, वो वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। इसके बाद वापस और ऊपर जाओगे तो फिर क्या हो रहा है, देखिए धीरे 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 ये जो जीवा है वापस क्या हो रही है, छोटी हो रही है। देखिए ये छोटी जीवा होगी, है ना, यानी आप नीचे से पॉइंट से शुरुआत करोगे, ये सबसे छोटी जीवा, ये फिर बड़ी, ये फिर बड़ी, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। और जीवा की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी वह होती है जीवा। अब बात करें अगर छेदिका के बारे में, तो छेदिका दोस्तों दो बिंदुओं से ऐसे क्रॉस होकर के आर पार गुजरेगी, वह जो होती है क्या होती है, छेदिका होती है। इनके बारे में आप सब जानते भी हैं, लेकिन एग्जाम जो आपका है उसकी दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती है वृत्त से रिलेटेड, तो मैं सीक्वेंटली लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, वृत्त की परिधि के बारे में, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है क्या, 2πr। वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है क्या, 2πr, ठीक है। और वृत्त की परिधि के बाद में अगर मैं बात करूं वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया की अगर बात करूं तो वृत्त की इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये सब आपने टेंथ में भी याद किए थे। जो बच्चे अभी टेंथ वाले भी देख रहे हैं तो वो चलो इसको रिवीज कर लेंगे एक बार। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो उसमें क्या है, पहले तो ये समझें कि वृत्त खंड होता क्या है। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है ना,
और इसके मैं दो खंड कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां से इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर का एक खंड खंड ए और ये इसका खंड ब। तो आप इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस इतने खंड का, खंड ब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको हम बोल देंगे लघु वृत्त खंड। इसको हम क्या बोल देंगे? लघु वृत्त खंड, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये वाला जो खंड है ये छोटा है। देखिए दोस्तों, आपके पास हाथ में एक गोल बिस्किट है, अगर हम उसको बीच से तोड़ेंगे अगर, तो उसके दो भाग हो जाएंगे ना। वो एक वृत्त था आपके पास, पोज कीजिए कि वो वृत्त था, तोड़ दिया आपने, दो खंड हो गए। अगर वो दोनों बराबर के हैं तो ना तो कोई लघु है और ना कोई दीर्घ है उसमें। लेकिन अगर इस कंडीशन में टूट जाता है वो अपना बिस्किट, तो उसमें जो छोटा भाग होगा वो होगा लघु वृत्तखंड और जो बड़े वाला भाग होगा वो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड होगा। दोनों के फॉर्मूले क्या हैं अलग अलग देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु वृत्तखंड की। मैं यहां लिख रहा हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 गुणा साइन थीटा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 गुणा साइन थीटा। साइन की वैल्यू ऐसी होती है कि आपको उंगलियों पर याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो त्रिकोणमिति ही होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप याद रखना चाहो तो आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रख सकते हो। देखो साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो आपको ध्यान में रखना होगा साइन 0, 30, 45, 60 और 90। मैं साइन की वैल्यू आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत सवालों में जरूरत पड़ती है, साइन की और कोस की। ज़्यादातर त्रिकोणमिति में ही नहीं, अन्य भी जो कोई चैप्टर चल रहा है वहाँ भी इनकी कई बार आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, इनके एक बार मान याद कर लेंगे। बहुत आसान से काम है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना सा याद रखना है। देखिए क्या करना है आपको, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 के बाद आधा। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो उसको आधा ही कहेंगे, 1/2 को क्या कहेंगे? 0 आधा। अब फिर से आधा लिख दीजिए, ठीक है। आधा जब लिखेंगे ना तो ध्यान रखेंगे इस बार जो आधा लिखेंगे उसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, है ना। हाँ, तो 0, 1/2, 1/√2। इस बार लिखेंगे हम 3/2, लेकिन 3/2 ने लिख करके इसको अंडर रूट 3/2 इस तरीके से लिखेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब आप इस इतनी सी वैल्यू को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको सवाल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है, ये आगे आपको एक ना एक दिन याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे और करेंगे। तो इस तरीके से याद रखिए, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से आप सेट कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 गुणा साइन थीटा। दोस्तों एक बात और देखिएगा, मुझे अगर दीर्घ वृत्तखंड का चाहिए, मान लो मुझे इस वृत्तखंड का ऊपर वाले भाग का चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा क्या? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनमें क्या करना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया किसी बच्चे ने, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और माइनस कर दें अगर इस इतने भाग का, तो हमारे पास क्षेत्रफल बचेगा इस ऊपर वाले भाग का। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आप पूरे वृत्त का निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस नीचे वाले भाग का। नीचे वाला भाग क्या है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अपने आप ही आपके पास कौन सा क्षेत्रफल बच जाएगा? ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल बचेगा। मैं सिर्फ आपको इतने ही फॉर्मूले बताऊंगा इसमें। अब अगर आपको ये पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जो भी फॉर्मूला आपको पता है, जैसे पूरी परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो आधी परिधि का क्या हो जाएगा? इसको आधा कर दो, ये 2πr है, आधा करोगे क्या बचेगा? πr बचेगा। मतलब इसमें 2 का भाग लगा दो, यानी मैं इसी को आगे बता देता हूँ आपको। πr 2πr है ना, 2πr/2। किसी भी चीज़ को आधा करना है मतलब 2 से भाग लगाना है, मतलब 2 भाग करने तभी तो आधा आधा हो जाएगा ना। वो 2 से भाग लगा दिया, 2 भाग कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा हमारे पास? πr। मतलब ये फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिधि का है। किसका है ये? अर्धवृत्त की परिधि का है। ध्यान देंगे कि एक शब्द लिखा आता है कई बार सवाल के अंदर कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए और अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। जब सवाल इस तरीके से पूछा जाता है ना, परिधि और परिमाप, हम बेसिकली जो अपने परिमाप और परिधि को क्या करते हैं कि एक जैसा मान लेते हैं। लेकिन आपको वृत्तीय भाग में आपको क्या ध्यान में रखना है, परिधि जब पूछा जाए तो आपको केवल इस पार्ट को काउंट करना है, ये है परिधि भाग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अर्धवृत्त पूरा कंप्लीट ऐसे होता है, ये आधा वृत्त है, परिधि वाला भाग है ना वो ये है, इतना इतना,
जो चाप के आकार का है, लेकिन परिमाप के अंदर बात करूं ना मैं अगर, तो ये परिधि भी आ जाएगी प्लस ये वाली भुजा भी आपकी उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो आपके सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है कि परिमाप या परिधि। हालांकि अन्य कोई भी आकृति है, जैसे आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अंदर है, तो वहां आपने क्या है परिधि का शब्द का यूज करते ही नहीं है। वहां तो सीधा लिखा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो चारों भुजाओं का योग कर देते हैं तो क्या हो जाता है वर्ग का परिमाप। मान लीजिए एक सवाल दिया गया कि भुजा 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि कोई भी आकृति है उसकी, मान लो आप ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, क्यों हुई ये 5 सेंटीमीटर? क्योंकि सवाल में बोला गया कि वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। अब इसका परिमाप निकाल लें, परिमाप मतलब इसका पूरे का योग कर दो, 5, 10, 15 और 20, तो इसका 20 आंसर होगा। ऑप्शन टाइप में देखेंगे 20 सेमी कहाँ है। लेकिन अगर इसी को अगर बोला जाए कि आप इसका फॉर्मूला लगा करके सवाल कीजिए, तो हम इसका लिखते हैं कि वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, किसका, वर्ग का परिमाप, उसका फॉर्मूला होता है क्या, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा के अंदर 4 लिखेंगे और भुजा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, दोनों के बीच में गुणा, 4 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो परिमाप तो उतना ही होगा। अब वो डिपेंड करता है कि सवाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना है या आपको डिस्क्रिप्टिव करना है, पूरा सवाल लेंथ ही लेकर के चलना है। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से, वृत्त की परिधि का मान फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो πr, लेकिन अगर अर्धवृत्त की परिधि न पूछ करके ये परिमाप ये वाला और ऐड करना हो तो इसमें और क्या ऐड कर देंगे, देखो ये यहाँ सेंटर पॉइंट है, ये इधर वाला भाग है, ये इसको क्या कहेंगे r, सेंटर से इधर वाला भाग क्या हो जाएगा r, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, मतलब इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे 2r ऐड कर देंगे। 2r ऐड न करके मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, पाई r प्लस 2r को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, d, डायमीटर के बराबर लिख सकते हैं। मतलब ये पूरी भुजा क्या होगी, ये d होगी ना, r प्लस r 2r, और त्रिज्या को जब दुगुना कर दोगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो ये क्या है 2 गुना त्रिज्या, मतलब ये क्या बन गया, अब व्यास बन गया। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये तो है परिमाप का, लेकिन अगर सिर्फ परिधि की बात करूं अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि सिर्फ इस इतने भाग को काउंट करेंगे। क्लियर है सभी को। परिधि की बात करूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए ट्रिक बता देता हूं कि यहां गुणा में और इसमें क्या याद कीजिए, मैंने कल आपको यह बताया था कि जब भी क्षेत्रफल की अपने इकाई बनाते हैं ना तो उसमें क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। बस वो ट्रिक यहां से याद रख लो छोटा सा, कि क्षेत्रफल वाले में तो क्या होगा ये 2 जो है वो स्क्वायर रूप में लगेगा, जबकि परिधि वाले में क्या होगा ये जो 2 है ये गुणा रूप में लगेगा। इस तरीके से आपको दिमाग में रहेगा कि कौन से फॉर्मूले में। अक्सर मैं बच्चों से ये पूछता हूं जब ये मेंसुरेशन शुरू करता हूं कि क्लास में जाते ही बच्चों बताइए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे के ये तो दिमाग में होता है कि पाई आर स्क्वायर या 2πr, इन दोनों में से कोई एक है। परिधि का फॉर्मूला पूछो तो कुछ तो सही बताएंगे 2πr होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या बताएंगे पाई आर स्क्वायर बोल जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं अगर आप पाई आर स्क्वायर परिधि का बता रहे हो तो बताओ क्षेत्रफल का क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले को परिधि में और परिधि वाले फॉर्मूले को क्षेत्रफल वाले में, मतलब इस तरीके से बोल देते हैं या फिर याद रह जाता है। हमें क्या याद रखना है, जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो स्क्वायर लगेगी पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब परिधि का फॉर्मूला बना रहे हो तब पाई आर स्क्वायर न लग के वो दो लिखना था, वो 2 कहां लिखा जाएगा, आगे गुणांक में लिखा जाएगा। इस तरीके से अपने माइंड में सेट करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर अगर सवाल आएगा तो एक आएगा चाप की लंबाई, कोई भी वृत्त दिया गया है उस वृत्त के अंदर मान लो ये यहां से लेकर के यहां तक ये चाप है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों पे बात करेंगे अपने। तो मैं एक बार इन पर सवाल देखो किस तरीके से पूछा जाएगा उस पर देखते हैं, ठीक है। कल एक कमेंट मैंने देखा जिसमें यह लिखा गया था कि सर अगर आपने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं बताया। देखिए मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करोगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा बात उस पर भी कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है ना, ये भुजा है आपके पास ए, ये भुजा है आपके पास ए और ये भुजा है बी। समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, आइसोस्केलन। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समद्विबाहु में क्या होगा, 2 भुजाएं बराबर होगी, आइसोस्केलन की बात कर रहा हूं, जिसमें क्या होता है 2 भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर क्या करना है, मैंने आपको कल ये बताया था, अभी कोई भी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज की अगर श्रेणी में आता है, मान लो मैंने फॉर्मूला बताया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है किसका, राइट एंगल का,
ये एक त्रिभुज आपके सामने, ये है समद्विबाहु, जबकि ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं किसका, समकोण का। दोनों में इतना ही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें, देखो अगर मैं ये मान लो त्रिभुज ए बी और सी है, हमारा त्रिभुज क्या है ए बी और सी, बिंदु सी से एक लंब डालता हूं इस भुजा पर डी, सी डी लंब है किस पर, ए बी पर, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमें चाहिए एक बटे दो गुणा इसका आधार, इसका आधार कितना है ए से बी तक का है, इसका आधार ए बी गुणा इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई ये नहीं है ए सी वाली नहीं है, ना ही बी सी वाली है, इसकी ऊंचाई कौन सी है, सीधी ऊंचाई ये वाली है, तो इसकी ऊंचाई हो गई सी डी, इसकी ऊंचाई कौन सी हो गई सी डी। अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यह समद्विबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारे पास किन का मान होना चाहिए, आधार भुजा का मान होना चाहिए प्लस इसकी ऊंचाई का मान होना चाहिए। लेकिन पेपर में या प्रश्न जो आप पढ़ोगे उसमें क्या होता है, आधार भुजा का मान तो दिया गया होगा आपको, लेकिन इस ऊंचाई का मान दिया गया नहीं होगा। प्रश्न किस तरीके से आता है, वो कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं वो है 5.5 तथा जो तीसरी भुजा है वो दे दी मान लो आपको 6। एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं 5-5 हैं और तीसरी भुजा 6 है, या ये 5-5 ये 4 है, ऐसा ही होता है समद्विबाहु। तो हमारे पास ये बराबर है, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 और ये क्या हो गई हमारी 6 mm हो गई, 6 cm हो गई, तो ये समद्विबाहु है। क्या आपके पास इस भुजा का मान है, तो इस भुजा का मान नहीं है, तो इस भुजा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो ये टोटल भुजा कितनी ली है हमने 6, तो ये आधी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। अब ये इतना इतना त्रिभुज है ना, इस पर दिमाग लगाइए आप अपना, ये त्रिभुज अपना बी सी डी या बी डी सी, इस इतने त्रिभुज को सोचो, ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, इसका मतलब कर्ण कितना हुआ 5, आधार कितना हुआ 3 हो गया, लंब कितना आ जाएगा हमारे पास, ज्ञात करके देखते हैं। देखो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसका लंब हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारे पास 5, मतलब 5 की स्क्वायर माइनस आधार कितना है इसका, टोटल आधार 6 था लेकिन यहाँ कितना है अभी इस त्रिभुज में इतने इतने में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आपको पता है 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा अपने 15 में से 9 गए कितने रह जाएंगे हमारे पास 6, यानी ये 16 आ जाएगा हमारा। तो हमारे ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट, और 16 का रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब हमारा ये लंब कितना हुआ 4 हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, ए बी और सी डी का मान चाहिए था, तो ए बी हमारे पास आ गया, ए बी का मान तो पहले से पूरा दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर 1/2 इंटू ए बी का मान 6, ये ए बी का मान हो गया 6, ठीक है। अब हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल ली हमने, तो हमारे पास ऊंचाई का मान कितना आ गया यहाँ पर 4, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, चाहे इससे कर दो, 4 × 3 = 12, तो ये 12 जो सेमी स्क्वायर है ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका पूरा एरिया हो जाएगा इसका। ये था समद्विबाहु का कंसेप्ट। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको कोई भी सवाल दिया हुआ आ जाए कि दो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं का माप दे दिया गया, तीसरी भुजा का माप दे दिया गया, तो आप पहले इसकी ऊंचाई निकाल लो। ऊंचाई कैसे निकालोगे, ऊंचाई ऐसे निकलेगी कि ये कर्ण हो गया, आधार इतना लेंगे उसमें, क्योंकि समकोण इतना इतना ले रहे हैं ना हम, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये ऊंचाई निकल जाएगी, और ये ऊंचाई अगर निकल जाएगी तो आधार गुणा ऊंचाई, ये दो चीज तो चाहिए इसमें अपने को क्षेत्रफल में, चाहे कोई भी त्रिभुज हो समकोण के रूप में होगा वो। अब आ जाते हैं अपने आज जो अपने वृत्त की बात कर रहे थे उस सर्किल के ऊपर, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में फिर लिखिएगा, मैं दोबारा आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपने बात करते हैं किस पर, आज जो अपने सवाल उठा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब आपको एक सवाल देता हूं मैं, यहां पर लिखा क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है
7 सेंटीमीटर दी हुई है, ऐसे सवाल आपने किए भी हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने कहा था क्षेत्रफल के लिए, अब वो दुआ कहाँ लगेगा, वो दो कहाँ लगेगा, स्क्वायर में लगेगा या गुणा में लगेगा। क्षेत्रफल के लिए हमेशा क्या याद रखना है, स्क्वायर के रूप में इसको यूज करना है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। आपके पास आईटीआई वालों के लिए स्पेशल तो ये बात होगी कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर जो होता है वो आपके लिए वहां पर अलाउ है, तो आप इसको वैसे हल कर सकते हैं पाई का मान 3.14 लेकर के। और यहां अगर अपने को लगता है कि ये जो त्रिज्या दी गई है ये 7 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम 22/7 लेंगे पाई का मान, त्रिज्या का मान लिखेंगे आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करूं मैं आगे, 22/7 इंटू त्रिज्या 7 है, 7 की स्क्वायर दी हुई है 7 × 7, तो इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास अब बचा क्या है 22 × 7, दोनों का गुणा करवाएं तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, हासिल कितना हुआ 1, 7 × 2 = 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 154 क्षेत्रफल था। त्रिज्या हमें किस में दी हुई है, सेमी में दी हुई है, यानी ये त्रिज्या का मान सेमी, इस त्रिज्या को भी सेमी, सेमी गुणा सेमी क्या हो जाएगा हमारे पास सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्षेत्रफल किसका, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी थी 7 सेमी। ठीक है, बहुत से बच्चे जो कि पहले से इन सवालों को कर चुके हैं उनको ये लग रहा होगा बहुत ईजी सवाल है, तो देख ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, आप चिंता नहीं करें, आपके लायक के भी सवाल इसमें भी मैं डालूंगा। चलो आगे की बात करूं मैं, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि प्रश्न संख्या 2 में कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करो, ऐसा वृत्त जिसकी परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो हम परिधि के लिए क्या करेंगे दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि, पाई आर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता तो 2 यहाँ लगता है ये स्क्वायर रूप में, लेकिन अगर परिधि का फॉर्मूला है तो ये यहाँ लगेगा। ये कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ आपको, बहुत से बच्चों के वहम भी रहता है और ये आपने अक्सर देखा भी होगा कि यार सर ने कभी पूछा था क्लास में और उस टाइम गलती भी होती थी, लेकिन अब ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, तो 2 × पाई का मान रखेंगे कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यहाँ 21 लिखेंगे, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 कैंसिल हो गया, इससे गुणा करना है किसका 2 × 22 × 3, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 22 × 2 = 44 और 44 × 3 कितने हो जाएंगे, 22 का 2 से करोगे 22 × 2 = 44 इंटू 3 × 4 = 12, 2 हासिल 1 × 4 = 12 और 1 कितना हो जाएगा 3, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लग रहा है इस बार सिर्फ क्या लग रहा है सेंटीमीटर लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का नहीं है। दूसरा रीजन क्या है, देखो 2 की वैल्यू 2, क्योंकि ये तो अंक है इसकी कोई इकाई नहीं है, पाई की वैल्यू है 22/7 इसकी भी कोई इकाई नहीं, त्रिज्या कितनी है आर, आर यहाँ कितनी बार लिखी जा रही है, एक बार लिख रहे हैं हम सिर्फ, आर का मान कितना दिया हुआ 21 सेमी, तो यहाँ पर मैंने लिखा 21 सेमी, तो और तो कोई संभावना बनी नहीं थी, दोबारा सेमी आ रहा है क्या इसमें कहीं, एक ही बार आ रहा है क्योंकि त्रिज्या को एक बार ही लिखना है इसलिए सेमी एक बार लिखा जाएगा। अब इनको जब कैलकुलेट करोगे तो सेमी मतलब एक ही बार है तो यहाँ पर सेमी ही लिखा जाएगा, सेमी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कब होता है जब क्षेत्रफल के लिए परिमाप के लिए सेम वही इकाई होती है, चाहे वो वृत्त का हो चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का परिमाप हो चाहे त्रिभुज चतुर्भुज किसी का भी परिमाप क्यों ना हो। चलिए दोस्तों इसके बाद इसी पर किस तरीके का सवाल बन सकता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपको प्रश्न दिया गया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है। थोड़ी देर पहले हमने जब सवाल किया था तो उसमें यह था कि त्रिज्या दी हुई थी और क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे और वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या 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 बोला गया है कि क्षेत्रफल 616 यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दे दिया गया है कितना 616 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया, इसी के अंदर से हमें क्या करना है वापस त्रिज्या निकालनी है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल मैंने हिंदी में लिखा है, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये और ये दोनों सेम बातें हैं, बराबर के इधर हमारे पास क्या चल रहा है 616। मतलब दोबारा पढ़ के देखो लाइन को, वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है। इसी को मैं ऐसे पढूं, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है, पाई आर स्क्वायर, ये भी कितना है 616, यानी ये लाइन और ये लाइन सेम है, बस फर्क इतना है कि इसको सूत्रीय रूप में लिख दिया मैंने और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो कहीं त्रिज्या का नाम आ नहीं रहा है ना, तो इसको हमने इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर पड़ा है हमारे पास, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या चाहिए ना अपने को, ये देखो वो कहता है त्रिज्या ज्ञात करो, जिसको ज्ञात करना है उसको अपने पक्ष में रखो, इसको ज्ञात करना है आर को, ये अपने पक्ष में है, ठीक है। अब राइट साइड में क्या रखा हुआ है, पहले से 616, ठीक है, ये था पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर मैं इस पाई को, यानी यहाँ गुणा में है और गुणा वाली रकम का पक्षांतरण करेंगे तो पाई कहाँ चला जाएगा, पाई चला जाएगा यहाँ भाग में, ठीक है ना। अगर मैं इस पाई की वैल्यू रखता हूँ, पाई की वैल्यू होती है कितनी 22/7, तो देखिए दोस्तों डबल बटे हैं, एक बटा ये है, बटे के नीचे फिर बटा है ना, डबल बटे को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे वाला बटा जो है ना वो अब तो भाग रूप में है, लेकिन इसको अगर गुणा रूप में लिखना हो तो इस बटे को पलट करके लिख देंगे, कैसे देखिए 616 ये बटा नया लिख करके अगर मैं इसको गुणा लिखता हूँ, ये भाग रूप है, इसको गुणा रूप में लिखूं तो जो नीचे जो भी रकम होगी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट जाएगी मतलब 7/22 लिखा जाएगा, पहले 22/7 था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कैंसिल करके देखना है कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दो के पाड़े से चेक करते हैं, या दो से करूं तो 11 ये हो जाएगा, 11 2 22, दो के पाड़े से इसको काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर अपने पास कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 कितना हो गया 16। समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको, ध्यान से देखिए ये 616 है, इसको 2 से करेंगे, 2 3 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ऊपर से 1 उतार लिया नीचे, अब 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, ऊपर से केवल 1 रकम नीचे उतरेगी, वो फ्री में है बिल्कुल, उसके लिए आपको कुछ नहीं पेबल करना है। ये जो 6 अगर आप नीचे दूसरी रकम नीचे उतारना चाहते हो तो आपको ऊपर जो भागफल है उसमें 1 0 ऐड करना होगा। अब 2 के पाड़े में 16 कब आएगा, जब आप 8 बार इसको पढ़ोगे तब आएगा 16, तो ये कैंसिल करना आ गया सभी को। अब ये 308, ठीक है, अब क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा देखते हैं अपने यहाँ पर, 308 में 11 से डिवाइड करते हैं, 11 के पाड़े में 3 नहीं आता, 2 से कर लेते हैं, 11 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, कितना बचेगा इसमें 22 और 8 30, 30 में से 22 घटाएंगे 8 बचेगा, ऊपर से 8 उतार लिया नीचे यहाँ पर, 11 के पाड़े में कब आएगा ये 8 पर आएगा, 11 8 कितना होता है 88 होता है, तो यानी 11 एकम 11, और इसको जब कैंसिल कर रहे हैं तो ये कितने पर कट रहा है 88 पर, मतलब 28 पर कट रहा है, ये 28 पर कट रहा है, 88 नहीं, ये कितने पर कट रहा है 28 पर कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, 28 × 7, हमारे पास क्या बचा है 28 × 7, इधर क्या बचा हुआ है आर स्क्वायर बराबर 28 × 7, यहाँ रफ में अपने करके देखते हैं 28 × 7, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, 8 7 56, 5 7 2 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 196, यानी 28 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 196, 196। क्या ये आर की वैल्यू है, नहीं, ये किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है। और अब अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ, सिर्फ आर लिखता हूँ, आर बराबर 196, स्क्वायर जब हटाएंगे तो दाएं तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह, 196 का वर्गमूल कितना होता है, बहुत से बच्चों को तो याद ही होगा ये, 196 का वर्गमूल होता है कितना 14, तो हमारी जो त्रिज्या की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब अगर किसी को दिक्कत आ रही है सर वर्गमूल में, तो 196 को इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर लेना आप, 196 के लिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 2 18, 1 बच गया 8 2 16, 98 पर कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से 1, तो देखो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, इन 2-2 से मिलकर के 1 2 यहाँ लेंगे, इन 7-7 का जोड़ा बनेगा 1 7 लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 7 2 कितना हो गया 14, मतलब 196 का वर्गमूल कितना हुआ 14 हो गया, तो हमारी त्रिज्या का मान कितना आ गया 14 आ गया। दोबारा से चेक कर लीजिए सवाल को, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 616 है, क्षेत्रफल 616, त्रिज्या निकालनी है इसमें से, तो त्रिज्या को अपने पक्ष में रखेंगे, ये 616 पहले से चलते ही आ रहा है, पाई जो गुणा में था गुणा वाला भाग में चला गया, डबल बटे हुए तो इसको नीचे वाले बटे को हम पलट करके लिखेंगे, तो 22/7 को पलट के लिखेंगे 7/22,
इस 22 से इस 616 को जब काट करके देखा, कैंसिल करके देखा दो के पाड़े से, तो दो के पाड़े से 11, इसको दो के पाड़े से काटा 308। फिर क्या किया हमने, 11 के पाड़े से कैंसिल करके देखा, क्योंकि मुझे पता है कि 11 ये यहाँ बन रहा है, और 11 के पाड़े से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ आ रहा था 28। तो 11 एकम 11 और 11 28 टाइम पे करेंगे तो ये 308 कैंसिल हो रहा था। मतलब बचा क्या, 28 × 7, और 28 × 7 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 196। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा, और 196 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 14 होता है। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जुलाई 2016 में ये सवाल शायद पूछा गया था, तो मैंने आपको ये दिया है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो इसी के जैसा सवाल होगा, और मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप अब एक सवाल कीजिए। चलिए लिखिए सवाल। सवाल ये इस प्रकार है, उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या या व्यास में लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसकी परिधि, जिसकी परिधि, जिसकी परिधि 66 सेमी है, 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके सवाल आ गया। आपको दिया क्या गया है, सवाल में दिया क्या गया है, परिधि। सबसे पहले इसको उठा लीजिए, दिया गया है आपको, दिया गया है कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 66 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब आप ये चेक कीजिए ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है त्रिज्या, ज्ञात करो क्या, ज्ञात करो त्रिज्या। क्या परिधि के सूत्र में त्रिज्या आ जाएगी, यानी इसको मैं सूत्रीय रूप में लिख दूं, सूत्रीय रूप में अगर इसमें लिखता हूं तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है ना, क्षेत्रफल का होता तो πr², ये दो वहां लगता, ठीक है, परिधि लगा दिया, ये भी लिखा हुआ है वृत्त की परिधि, ये भी क्या है वृत्त की परिधि, बराबर क्या चल रहा है हमारे पास 66 सेंटीमीटर। अब आपको जो ज्ञात करना है उसको अपने पक्ष में रखिए, त्रिज्या को ज्ञात करना है, ये r फॉर रेडियस यानी त्रिज्या होती है, ये अपने को ज्ञात करना है, ये 66 हमें यहाँ दिया गया है, क्या बच गया हमारे पास, r के गुणा में लिखा हुआ है 2π, ये 2π का जब पक्षांतरण करेंगे तो 2π कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ये 2π। अब अगर मैं बात करूं कि इसको और कैंसिल कर दूं, दो के पाड़े से इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33, दो के पाड़े से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 33, यानी हमारे पास वैल्यू है 33/π। आप सभी जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7, 33/π का मान 22/7, फिर से वही कंडीशन बन रही है, डबल बटे बन रहे हैं, तो नीचे वाले बटे को पलट के लिखेंगे, गुणा रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, क्या बनेगा हमारे पास 33 × बट्टा नया लगा करके क्या लिखेंगे इंटू 22/7 को पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7/22। अब आप देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई किसी पाड़े से आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्या, 11 के पाड़े में 11 एकम 11, 11 दुए 22, 11 तीये 33, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा है, कैंसिल नहीं हो रहा, आप दो के पाड़े में 3 नहीं आएगा, दो के पाड़े में 7 नहीं आएगा, गुणा कर दीजिए ऊपर वाली रकमों का, 3 × 7, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, सबको दिखाई दे रहा है, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना है 2, 3 × 7 = 21 और बटे में 2, यानी हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया कितना 21/2। 21/2 को अगर आप सरल करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 10 सही 1/2, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो 10.5, इसको सरल करेंगे यानी 21 के दो भाग करेंगे तो 10.5 होगा कि नहीं होगा, 10.5 का मतलब ये हो गया 10 सही 1/2, यानी 10 और आधा साथ में 10 सही 1/2, 10.5 बोल सकते हैं इसको, साधारण सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, बिल्कुल अगर आपको बेसिक बात करूं मैं तो 21 को आधा करेंगे, है ना, तो ये सब समझ में आ गया आपको, आर का मान 10.5 सेंटीमीटर। इस तरीके के सवाल जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। इस वीडियो को आप कक्षा 8 से लेकर के, अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 6th स्टैंडर्ड वालों की बुक मैंने देखी नहीं है, हालांकि आज से 7 से 8 साल पहले जब मैं कक्षा 6, 7, 8, 9 सबको पढ़ाया करता था, तब वहाँ पे ये देखा मैंने कि 8वीं से ये शुरू हो जाता है, 8th क्लास से ये सब शुरू हो जाता है, और 10th तक के बच्चों को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तब भी हमें नहीं आता है, बस हमें रटा रटाया काम है जी, ये रट लिया, इतने सवाल फिक्स हैं उसी में से एग्ज़ाम पूछा जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक आपको ये भविष्य में भी दिक्कत आएगी, है ना। अब अगर आप इसको ढंग से सीख जाएंगे तो आप जब कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे, तब आप ट्रिक जब सीखेंगे और सीखेंगे तो आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा, बेनिफिट देगा ये क्लास आप